उधर दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में डबल ई ब्लॉक की डीडीए मार्केट के अंदर शरारती तत्वों का आतंक फैला हुआ है। ये शरारती तत्व इंसान तो क्या जानवरों को भी आहत करने से नहीं चूक रहे। कुछ शरारती तत्वों ने यहां एक आवारा कुत्ते को पूंछ पकड़कर हवा में घुमाकर दीवार में दे मारा। जब इसका विरोध एक समाज सेवी ने किया तो उसे शरारती तत्वों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पूरे मामले की शिकायत जहांगीरपुरी थाने में दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी तक शरारती तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लड़के थे, आवारा लड़के जो यहाँ पे लगातार बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं मार्केट में बैठ के, तो वो कुत्ते को बहुत बुरी तरह घुमा रहे थे, टांगे पकड़ के इसको मार रहे थे। तो जब मैं और कुछ दुकानदार साथी उसको रोकने गए कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने हमसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद में वो लड़के बहुत सारे इकट्ठे हो गए और धमकियाँ देने लगे। और फिर जब मैंने घर जाके देखा तो मेरी चैन भी नहीं थी मेरी जेब में, और वो हथियार लेके भी कई बार बैठे रहते हैं यहाँ पे खुलेआम, मारने की धमकी, बिल्कुल जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। उस टाइम मैं लगातार थाने में कम सूचना दी, तो उस टाइम तुरंत पुलिस आ गई थी, और जब तक लड़के भाग चुके थे, तो लिखित में कल मैंने सूचना दे दी है थाने में, पर अभी तक लड़के वो यहीं घूम रहे हैं। हमारी मार्केट में जो है इतने शरारत भी आते हैं कहीं के भी, कोई पता नहीं कौन कहाँ का है, आकर दारू पी के और बोतलें आपस में फोड़ फाड़ के फिर चले जाते हैं। क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बिल्कुल लापरवाही है, कोई पुलिस वाला नहीं आता है। अगर हम कंप्लेंट करेंगे इसके बावजूद कुछ नहीं आता, बीट वाला निकल के आते हैं तो उनको बोलते हैं कभी तो दो राउंड मारे, उसका कोई पता ही नहीं बीट वाला है भी हमारे बीच में नहीं। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने SHO थाना जहांगीरपुरी से बात करी थी, और मार्केट में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने बाहर के लड़के आ रहे हैं, नशे स्नैचिंग दुनिया भर की गलत एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में उन्हें चेताया था, बताया भी था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे राउंड लगेंगे और पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल तो अभी कुछ नहीं होती। और हाल फिलहाल में जो घटना घटी है, मेरे हिसाब से तो एक अगर जनप्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी मिलती है तो जनता को जान से मार ही देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।